अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मिशाल टाइम्स और मैं हूं मीर मुदस्सिर। मैं इस वक्त मौजूद हूं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवामा में। आप सभी ये जानते हैं पूरी मुल्क की नजरें जो आज देखी जा रही है चाहे किसी भी मामले को लेकर, वो G20 पर है, क्योंकि ये G20 का इजलास जो है वादी कश्मीर में मुनक्कद होने जा रहा है जो 22 मई 2023 से शुरू होने जा रहा है। बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि आपको पता है इस G20 इजलास के हवाले से ना सिर्फ वादी कश्मीर में बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में आजकल जो चाहे फिर वो तालीमी इदारे हो या गैर सरकारी इदारे इसमें हो, तो वहां पर अवेयरनेस जो प्रोग्राम्स है, जो सेमिनार्स है, वो मुनक्कद किए जा रहे हैं और जगह जगह पर बच्चों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को, जिनको इस बात का तस्वुर नहीं है कि आखिर ये G20 है क्या, कौन लोग इसमें शामिल है, कौन कौन से ममालिक इसमें है और क्या कुछ मकसद है इस G20 के हवाले से वादी कश्मीर में मनाने का। लेकिन आज अगर हम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवामा की बात करेंगे तो यहाँ पर एक सेमिनार मुनक्कद हुआ जिसमें ना सिर्फ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवामा के जो तलबात है उन्होंने, बल्कि जो इसके पेरिफेरल एरियाज में जो डिग्री कॉलेज है वहां के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम यहाँ पे आए थे, जैसे हमें पता है कि इंडिया की जो प्रेसिडेंट से इस साल G20 इंडिया में ही होने जा रहा है श्रीनगर, एंड इट वाज अ वेरी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू बी हियर इन दिस कॉलेज।
बहुत सारे कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया था, इट वॉज़ अ इंटर कॉलेज डिबेट, तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें सीखने को मिली, एक्सप्लोर करने को मिली जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं इसी एजुकेशनल मॉडल को फॉलो करती हैं, उनके उनके बच्चे जो हैं वो डिफरेंट एजुकेशनल एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हैं, वो फिज़िक्स के साथ साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, वो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ते हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी वो बहुत रिजिड थी, बच्चों को ऑप्शन नहीं मिल पा रहे थे कि वो डिफरेंट स्ट्रीम्स को पढ़ सके, अगर साइंस का बच्चा होता था उसको साइंस ही पढ़ना पड़ता था, पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट एरियाज़, वो फिज़िक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छे। माय नेम इज हदीका अफजल एंड आई एम फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ पुलवामा एंड मेरा सेमेस्टर जो है वो सेकंड है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंडक्ट अ प्रोग्राम ऑन G20, नॉट ओनली इन आवर कॉलेज बट ये जो है ये पूरी वैली में सख्त मतलब अरूज पर है, तो इससे जो है असरात है वो बहुत अच्छे हैं, नॉट ओनली मतलब कश्मीर वैली पे द यूथ्स ऑफ आवर वैली, हाँ हमारी वैली हमारे वैली के जो यूथ्स है उन पे बहुत असरात है, इसके बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे और जो इसके इफेक्ट्स है वो भी पॉजिटिव होंगे इंशाल्लाह, आगे भी होते आएंगे और आग मतलब इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे। माई सेल्फ मुनीशा अयूब एंड आई एम फ्रॉम GDC पुलवामा एंड आई एम इन सेकेंड सेम। टुडे वी कंडक्ट सेमिनार अबाउट G20। सो जो हमारा आज का प्रोग्राम है उसका G20 का मकसद ये है कि हम जो इस यूथ में जो हो रहा है हमारे यूथ में सो बहुत अच्छा होने की कोशिश में है सब, तो हमने जो G20 का ये किया है तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे यूथ के लिए और इसके इफ़ेक्ट्स भी पॉजिटिव है। सो मुझे लगता है कि ये हमारी जनरेशन के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि जो G20 के बाद मीटिंग के बाद हमारी एजुकेशन के रिलेटेड जो भी फैसला होगा सो वो हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही फायदा। बहुत अच्छा लगता है जब हमें ऐसा मतलब मौका मिलता है कॉलेजों में या आउट कॉलेज भी हम इवेंट करने जाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। जी नहीं, हम तो फोक भी गाते हैं, लाइट भी गाते हैं, जैसे कि ऑडियंस की डिमांड होती है हमें मतलब पता चलता है ऑडियंस वहां से क्या डिमांड करती है, तो I am here as a participant in G20 conference held in the GDC Pulwama, sir. Sir, I feel very pleasure and grateful to be here because such programs should be held in the Jammu and Kashmir Valley because these are those programs which help us in creating such mindsets which are very beneficial for our future generation. पिछले बहुत साल से जब हम देखते हैं जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम था उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स थी विच इज़ अ नेचुरल फिनोमेना, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स बैठ गए, सो मेहनत इंटेलिजेंसिया बैठ एकेडमिशियंस बैठ गए, तो उन्होंने देखा है कि वट आर द गैप्स जहाँ पर हमारा यह ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन थोड़ा बहुत वो रिजल्ट नहीं दे पा रहा है जो हमें चाहिए। उस वजह से जो नई स्कीम आई है NEP जहाँ पर ब्लेंड किया गया स्पेशली स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन, दैट इन नियर फ्यूचर विद प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इज गोइंग टू डू वंडर्स। हमारे बच्चे जो आएंगे जिनकी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, दो बीइंग ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स, इफ दे हैव द रिक्विजिट स्किल्स अलॉन्ग विद द एजुकेशन इट विल बी अ गेम चेंजर इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वी डू होप दैट and this state being the first the union territory presently to implement this and inshallah I think will come out with flying colors with the support of the government and you people being so much enthusiastic as well as forthcoming in disseminating the knowledge that is being created that's being put up with the, in the different colleges, uske liye aapka contribution bhi it has been really really main personally kehta hu। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे आज कि आज ये प्रोग्राम जो है क्या कुछ प्रोग्राम था और कैसा फील कर रहे हैं। मैं आपका नाम जानूंगा। जी मेरा नाम शेख उतुफा रफीक है, मैं GDC पुलवामा की स्टूडेंट हूँ और हमारा कॉलेज डिफरेंट सेमिनार्स ऑलरेडी कंडक्ट कर रहा है फ्रॉम लास्ट 1.5 मंथ और आज जो हमारा सेमिनार हुआ इसका मेजर थीम जो है
एजुकेशन अ टॉप प्रायोरिटी, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी एंड एजुकेशन टॉप प्रायोरिटी, तो इसमें जो है इंटर कॉलेज सेमिनार जो आज हुआ, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, हमने भी पार्टिसिपेट किया इसके, और सब थीम्स भी रहे जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, NEP 2022 है, और हमें बहुत अच्छा लगा इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली और G20 के बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली। अच्छा, मैं जानूंगा, जब हमने सुना या आपने सुना कि पहली बार G20 जो मीट है वो वादी कश्मीर में होने जा रही है, तो कैसा लगा आपको और क्या फील कर रहे हैं आप उस G20 के हवाले से, क्या कुछ लग रहा है आपको कि इस मीटिंग के करने से यहाँ एजुकेशन सिस्टम को कैसी प्रायोरिटी मिलेगी? सर, हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं G20 को लेके, और हमें उम्मीद रहेगी कि जो NEP 2022 है जो इसी साल स्टार्ट हुआ है 2023 में, हम होप करते हैं कि एक अच्छा प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए भी रहे, ताकि हमें और जो है नई नई टेक्नोलॉजीज और नए नए प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस हो, और जो रही बात G20 मीटिंग की, तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डेवलपमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर के कश्मीर में वो ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जो इसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज पुलवामा से हैं, इनसे हम जानेंगे इनका नाम और कैसा इनको लग रहा है। मेरा नाम फैसल अमन वानी है, मैं सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ। एज माई फेलो कोलीग सेड, G20 जैसे हम जानते हैं कि इस साल इंडिया जो है उसकी प्रेजिडेंसी इंडिया के पास है, और जो प्रोग्राम है ये श्रीनगर में होने जा रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए डिफरेंट जगहों पे G20 को लेके जो है अभी जोरों शोरों से जो है वो इस पे बात की जा रही है, तैयारी चल रही है। और सिमिलरली हमारी GDC पुलवामा ने भी इस पे ऊपर डिबेट रखी थी, आज इंटर कॉलेज डिबेट हुई थी ऑन G20, और इसमें जो मेन टॉपिक रहा वो था एजुकेशन अ टॉप प्रायोरिटी, एंड इसके डिफरेंट सब थीम्स थे, डिफरेंट कॉलेजेस से बच्चे आए, उनने इस पर बोला, और इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। इंडिया तो जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी जब आई, तो उस हवाले से मैं आपसे जानूंगा, आप एक स्टूडेंट हैं अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जब नई एजुकेशन पॉलिसी यहाँ लागू की गई तो उस पर आपको क्या लगा कि वो कैसी पॉलिसी है, और क्या कुछ और उसमें होना चाहिए था जैसे आपको लग रहा है, क्योंकि आप कॉलेज में, आप हायर सेकेंडरी से आए हैं, कैसा फील कर रहे हैं आप उस पॉलिसी को लेकर? टू बी ऑनेस्ट, एज वी नो जम्मू एंड कश्मीर वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। आई पर्सनली फील कि जितनी जल्दी ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई उतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए थी, गवर्नमेंट को पहले प्रॉपरली इसके ऊपर सोचना चाहिए था। आई फील ये बहुत ज़्यादा जल्दी, बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग, इसमें सीखने को बहुत ज़्यादा है। अब बच्चा जो है वो डिफरेंट स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकता है, वो फिजिक्स के साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, एंड वो रिसर्च में भी जा सकता है इन हिज फोर्थ ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, सो बहुत अच्छी बात है। जी चलिए, थैंक यू हमारे साथ बात करने के लिए। ये हमारे साथ जो कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनसे हमने बात की, या और भी जो बच्चियां थी जिनके साथ हमने बात की, तो तमाम तर नज़रें जो है वो इसी G20 इजलास पर है। आज भी यहाँ ज़िला पुलवामा ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे इस किस्म के प्रोग्राम्स मुनक्कद किए जा रहे हैं, जहाँ ये पैगाम पहुँचाया जा रहा है कि G20 का मकसद जम्मू कश्मीर, बिलखसूस वादी कश्मीर में कराने का क्या है। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सर आपसे दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह। ठीक है।